सो हेलो, वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। और गाइस, आज हम फिर से खेलने वाले हैं ट्रेडर लाइफ सिम्युलेटर। तो गाइस, लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने अपनी शॉप पर एक वर्कर हायर कर लिया था, क्योंकि यार आपको पता होगा हमारी शॉप पर एक ही वर्कर था और उसने यार हमारी शॉप पर एक बारी में एक ही कस्टमर आता था। लेकिन अभी अपनी शॉप पर दो कस्टमर आ सकती है एक टाइम में, क्योंकि अपने पास दो वर्कर हो चुके हैं और इससे यार हमारे पास जल्दी जल्दी पैसा भी कलेक्ट हो सकता है। तो गाइस, आज मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपनी शॉप के साथ साथ हम यहाँ पर एक और काम चालू कर सके, क्योंकि आपको पता होगा हम यहाँ पर एनिमल्स वगैरह को भी पाल सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले फार्म परचेस करना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं फटाफट से अपनी शॉप पर और देखते हैं गाइस अपने पास कितना बैलेंस इकट्ठा हो चुका है। वैसे अपने पास काफी सारा बैलेंस इकट्ठा हो चुका होगा, तो एक बारी मैं यहाँ पर देख लेता हूँ अपने पास कितना बैलेंस इकट्ठा हो चुका है। ओके गाइस, तो अभी अपने पास यहाँ पर $5,000 के करीब हो चुका है, जो कि भाई काफी ज्यादा बढ़िया बात है, क्योंकि अभी अपना जो फार्म है ना उसको हम परचेस कर पाएंगे। एक बारी मैं देख लेता हूँ यहाँ पर हम अपना जो फार्म है वो कितने का परचेस कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर $3,500 का परचेस कर सकते हैं। तो अभी तो यहाँ पर अपना फार्म वगैरह भी आ जाएगा और अभी यहाँ पर अपने एनिमल्स वगैरह भी आ जाएंगे। वैसे एक बारी मैं देख लेता हूँ यहाँ पर सामान वगैरह, वैसे सामान भी यहाँ पर खत्म ही हो चुका है। फ्रिज में तो यहाँ पर सारा सामान ही खत्म हो चुका है, बस थोड़ा बहुत ही रखा हुआ है और ये चिप्स वगैरह तो रखी हुई है। इधर की साइड में एक बारी और देख लेता हूँ, यहाँ पर भी भाई सारे सामान खत्म हो चुका है और अपना जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो भी अब नहीं बचा, बस यहाँ पर 3-4 कैलकुलेटर बचे हुए है और यहाँ पर माउस पैड तो अपने पास काफी सारे पड़े हुए है और ये फोन वगैरह भी भाई खत्म ही हो चुके हैं। तो मुझे यहाँ पर काफी सारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि यार देखो अपना जो काम है ना, अपना जो यहाँ पर बैलेंस है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम से ही बढ़ता है भाई। इलेक्ट्रॉनिक आइटम से अपना काफी सारा यहाँ पर बैलेंस बढ़ जाता है, क्योंकि एक आइटम का अपने को काफी अच्छा प्राइस मिल जाता है। वैसे अभी मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा बहुत पहले यहाँ पर सामान, वैसे सामान लाएंगे तो हम यहाँ पर फार्म परचेस नहीं कर पाएंगे और अगर एक बारी अपने पास फार्म आ गया तो तब तक यहाँ पर बैलेंस भी काफी सारा कलेक्ट हो जाएगा। तो भी एक काम करते हैं फटाफट से ना, यहाँ पर मैं फार्म परचेस कर लेता हूँ। ओके, चलते हैं अपने लैपटॉप में और यहाँ पर करते हैं पहले फार्म परचेस। और कंप्लेंट्स भी भाई देखो काफी सारी आ चुकी है। वैसे अभी पहले अपना काम है यहाँ पर फार्म परचेस करने का। ओके गाइस, तो अपना फार्म यहाँ पर परचेस हो चुका है और अभी भी अपने पास $1,400 बचे हुए हैं। तो एक बार यहाँ से फिर से बैलेंस कलेक्ट करते हैं और चलते हैं फटाफट से अपनी गाड़ी लेकर। वैसे शायद से एक बार मैं देख लेता हूँ फार्म कहाँ पे है। ये तो शायद से, हाँ ये अपना फार्म है शायद से। तो ठीक है, यहाँ से अपना जो फार्म है वो ज़्यादा दूर नहीं है, तो एक काम करते हैं फटाफट से अपनी गाड़ी लेकर चलते हैं। और हाँ, उससे पहले ना मैं यहाँ पर जो अपनी काऊ वगैरह उसको परचेस कर लेता हूँ। फटाफट से उसकी शॉप पर चलते हैं, क्योंकि यार फार्म तो मैंने परचेस कर लिया है, उसके लिए हमें काऊ वगैरह भी यहाँ पर परचेस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यार ये मैं कहाँ पर आ गया, ये तो मैकेनिक की शॉप पर आ चुका हूँ भाई, गाड़ी बैक की जाए यहाँ पर। ओके, अभी फटाफट से देखते हैं अपना जो फार्म है, ये शायद से अपना फार्म नहीं, ये अपना फार्म कहाँ होगा। वैसे मैप वगैरह में यहाँ पर ढंग से नहीं दिखता है। ओके, तो भाई यहाँ से ही तो हम अपनी गाँव वगैरह को परचेस कर सकते हैं। हाँ देखो, यहाँ पर अपनी गाय भी है और अपनी यहाँ पर सीप वगैरह भी है और देखो यहाँ पर ये मुर्गी वगैरह भी रखी हुई है। एक बार इनका प्राइस चेक करते हैं। ओके, वैसे इसका प्राइस है यहाँ पर $50 और सिर्फ वगैरह का यहाँ पर $350 और काऊ आ जाएगी अपने $500 में। चलो यहाँ पर एक एक सबको मैं परचेस कर लेता हूँ। ठीक है, एक तो मैंने यहाँ पर काऊ परचेस की और एक करते हैं यहाँ पर सिर्फ और दो यहाँ पर चिकन परचेस कर लेते हैं। ओके, वन और ये मेल फीमेल का यहाँ पर ऐसे ऐसे नहीं पता चलेगा, तो खैर मैं यहाँ पर दो परचेस कर लेता हूँ। ठीक है, चलो मैंने यहाँ पर दो चिकन परचेस कर लिया है और एक काऊ परचेस कर लिया और एक सिप परचेस कर लिया है। तो अभी मुझे इनका खाना वगैरह भी परचेस करना होगा क्या? उस ऐसे अपने बान हाउस में ऐसे खाना पड़ा रहेगा, एक बारी देखते हैं चल के। तो अभी मुझे फटाफट से अपने बान हाउस में चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ही अपनी जो काऊ वगैरह है वो शायद से आ चुकी होंगी। वैसे हमने यहाँ पर अपने फ़ोन वगैरह में भी चेक कर सकते हैं एक बारी एनिमल्स वगैरह में। हाँ, तो यहाँ पर एक काऊ है, एक सीप है और दो चिकन है और डेली इनकम हमारी जो है वो है $97 और डेली कॉस्ट यहाँ पर $13। ओके,
वैसे एक बार ही मुझे चलकर देखना चाहिए कि भाई अपनी जो काउ वगैरह है वो आखिर आ चुकी है या फिर नहीं। वैसे मोबाइल से तो पता चल ही गया है हमारी जो काउ है वो आ चुकी है, लेकिन एक बार चलते भाई अपना फार्म वगैरह देखते हैं कि आखिर अपना जो फार्म है वो कैसा है और अपने एनिमल्स वहाँ पर मस्ती वगैरह कर रहे हैं या फिर नहीं। ओके गाइस, तो अभी मैं अपने फार्म पर यहाँ पर आ चुका हूँ और वैसे यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है, कलेक्ट द फार्म इनकम फ्रॉम द वर्कर। ओके, तो यहाँ पे जो ये अपना वर्कर है ना, इससे हम अपनी जो इनकम वगैरह वो कलेक्ट कर सकते हैं। वैसे अभी तो हमारे पास कोई इनकम वगैरह नहीं है और ये तो भाई काफी ज्यादा डेंजर सा लग रहा है। खैर ये तो वो ये ना अपना बैंक वाला बंदा भाई, ये ना हर जगह पे है। और वैसे अभी देखा जाए तो हमारी काउ वगैरह कहाँ पे, ओ शायद से ये रही अपनी काउ। ओके वैसे भाई आती सोगी है तो ओके, तो हम इसको यहाँ पर सेल वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन भाई सेल क्यों करना जब अभी तो मैंने परचेस किया है। और वैसे भाई इसको हम यहाँ पर कंट्रोल वगैरह नहीं कर सकते क्या? खैर अभी इसको छोड़ो। और अभी मैं देखता हूँ यहाँ पर अपनी जो सिप वगैरह वो कहाँ पे है और मुर्गी वगैरह उनका शायद से अलग बान हाउस है। एक बार फटाफट से चलते हैं अंदर की साइड में और ये वाली मशीन मैं चला सकता हूँ क्या? वैसे भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, एक बार ट्राई करते हैं इसको हम चला सकते हैं क्या। वैसे इसको हम चला के क्या ही करेंगे? अबे नहीं यार इसको हम नहीं चला सकते, ये ना यहाँ पर बस शो ऑफ करने के लिए खड़ी है और भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। वैसे भाई अपना जो फार्म है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इसमें अपनी भाई काफ़ी सारी काउ भी हम परचेज करने वाले हैं और इसमें यार जब बहुत सारी काउ आ जाएगी ना तब तो ये और भी ज़्यादा बढ़िया लगने वाला है। एक बार मैं देखता हूँ यहाँ पर मुर्गी वगैरह कहाँ पर है। हाँ इस वाले में तो नहीं है और इस वाले में भी शायद से नहीं है। ये इसका गेट है क्या? नहीं गेट है पर खुलने का नहीं वो। अभी देखते हैं अपनी जो मुर्गी वगैरह है वो कहाँ पे है और अपनी सिप भी अभी नहीं दिखी है। वैसे यहाँ पर एक और फार्म है, इसमें भी अपनी मुर्गी नहीं है। भाई अपनी मुर्गी और अपनी सिप कहाँ पे चली गई बे? ओके तो गाइस अपना जो एरिया है ना वो इतना ही है, अंदर का जो ये फार्म वगैरह है ये शायद से हमारे काम का नहीं है। लेकिन यहाँ पे ना अपनी मुर्गी कहाँ पे चली गई? हाँ ये रही अपनी मुर्गी। वैसे भाई एक तो ये घूम रही और एक साइड से इधर की साइड में, हाँ एक वो घूम रही और अपनी सिप यहाँ पर सो रखी है। भाई इनको आधे क्या बीमारी हो चुकी है, गायें अपनी उधर सो रही है, सिप अपनी यहाँ पर सो रही है, ये ऐसे सोते रहेंगे क्या? खैर छोड़ो, अभी ना अपना जो फार्म है ना वो काफी ज्यादा बड़ा है और इसमें अपने काफी सारे एनिमल्स आ सकते हैं, लेकिन अभी चलते हैं फटाफट से अपनी शॉप पे। और हाँ भाई यहाँ पर तू अच्छे से काम करना और हम डेली आते रहेंगे तुझसे पेमेंट कलेक्ट करने, तो अभी यहाँ पर तू अच्छे से काम करना, नहीं करेगा तो बेटा तेरी अच्छी सी कुटाई भी हम कर देंगे। वैसे वहाँ पर शायद से एक यहाँ पर ये खाने का फिल्टर है और वो है सामने यहाँ पर पानी वगैरह का फिल्टर, जैसा कि अपने रैन सिम्युलेटर में होता है। लेकिन रैन सिम्युलेटर में हम यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन यार इस वाले गेम में हम यहाँ पर नहीं बिल्ड कर सकते, तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सामने शायद से अपना गाड़ी का गैराज है, वो एक बार ही वहाँ पर चलते हैं, देखते हैं कि आखिर कौन सी कार बची हुई है। वैसे कार तो सारी बची हुई है, मैंने परचेज ही बस एक कार कर रखी है, तो यहाँ पर देखते हैं जो उनका प्राइस है वो आखिर कितना होने वाला है। शायद से हम यहाँ पर एक सुपर, अबे नहीं यार ये तो फर्नीचर शॉप है यार। वैसे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, हम यहाँ पर जब आ चुके हैं तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आइटम भी परचेज कर लिया जाए। और भाई क्या ही हालचाल है, तो भी काम ढंग से ये तो अपना वर्कर है ना भाई, ये हर जगह फैले हुए हैं, इनकी ना एक अलग ही टीम है भाई, ये इस गेम को यही कंट्रोल करते हैं। हम तो यहाँ पर खामा खा के आ रखे हैं। ठीक है एक अपना फ्रिज यहाँ पर है और मैं यार परचेस तो नहीं कर सकता, एक काम करते हैं ये वाली सेल भाई काफ़ी ज़्यादा महंगी है, टेबल वगैरह ये वाली सेल परचेस कर लूँ क्या? नहीं 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 यहाँ पर ना एक काम करते ये वाली सेल परचेस करते हैं, क्योंकि इनमें अपना थोड़ा बहुत आइटम आ जाएगा। और वैसे ये $300 की है तो अपन ना यहाँ पर दो परचेस कर लेते हैं, दो से अपना काम चल जाएगा। तो चलो गाइस मैंने ये दो सेल परचेस कर लिया और वैसे ये अपनी इन्वेंटरी में आ चुकी है। हाँ दो सेल अपनी इन्वेंटरी में आ चुकी है और फटाफट से चलते हैं अपनी शॉप पर, क्योंकि वहाँ पर जाकर अपनी ये सेल लगाएंगे। और भाई अभी तो अपनी शॉप को भी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड करना है, अभी तो अपनी शॉप में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, एक फ्रिज है और दो चार सेल्फ है। वैसे सेल्फ तो हाँ दो ही है ना, और यार वो ना बेकार से सेल्फ है। तो खैर अभी फटाफट से चलते हैं
और हाँ यार, एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पर बर्गर शॉप पे आ चुका हूँ, क्यों ना एक पिज्जा भी यहाँ पर परचेस कर लिया जाए। वैसे भी अपनी जो हेल्थ है वो यहाँ पर थोड़ी डाउन हो रखी है, तो चलो यहाँ पर एक पिज्जा मैं परचेस कर लेता हूँ। वैसे भी ये 64 का है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक पिज्जा परचेस कर लिया है और यहाँ पे आराम से मस्त यहाँ पर बैठ के खाएंगे। ठीक है, अभी मैं खा लेता हूँ इसको। ओके चलो भाई, टाटा बाय बाय। ठीक है, और यहाँ पर कुछ और भी आइटम लिया, ये क्या तो पिज्जा बर्गर ही दे रहा है, पेट खराब हो जाएगा हमारा इससे, छोले चावल लेके आ। खैर अभी फटाफट से चलते हैं अपनी शॉप पर, और अपनी हेल्थ वगैरह सारी फुल हो चुकी है और शायद से यहाँ पर रात भी होने वाली है। तो चलो गाइस, अभी मैं यहाँ पर अपनी शॉप पर आ चुका हूँ और अपनी गाड़ी को यहीं पर मैं लगा देता हूँ बीच रोड में। खैर अभी ठीक है, यहाँ पर मैंने ये लगा दिया और अपने पास यहाँ पर फल वगैरह भी और वेजिटेबल्स वगैरह भी ख़त्म हो चुकी है, तो अब उनको यहाँ पर थोड़ा बहुत आइटम लेकर आना पड़ेगा। हाँ देखो, मैं ये वाली सेल कह रहा था, ये ना अपने पास दो ही है, और वैसे भी यार ये दो ही रहनी चाहिए, क्योंकि यार ये भाई बहुत ही बेकार लगती है अपनी। अभी मैं दो सेल्फ लेकर आ चुका हूँ और वो सोच रहा हूँ मैं क्यों ना यहाँ पर लगाई जाए। ठीक है, तो एक सेल्फ तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर निकालते हैं फटाफट से अपनी सेल्फ। ओके तो ये रही अपनी सेल्फ, ये ना मैं कुछ ऐसे रोटेट करके लगाने वाला हूँ और बाहर से यहाँ पर बंदे भी देख सके। ओके तो एक सेल्फ तो मैंने कुछ ऐसे करके लगा दिया है, और एक सेल्फ मैं यहाँ पर इसकी इसकी बैक साइड में लगा लेता हूँ, और फिर हम यहाँ पर एक एक सेल्फ और लाकर लगा देंगे। वैसे अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, एक ना मैं इसकी बैक साइड में लगा देता हूँ। फटाफट से निकालते हैं इसको भी और इसको लगाते हैं इसकी बैक साइड में। ओके तो अभी ना मैंने ये दोनों बिल्कुल बढ़िया तरीके से लगा दिया है, और भाई दोनों बिल्कुल एक्यूरेट बढ़िया लगी है, तो अभी यहाँ पर अपना काफ़ी सारा सामान आ जाएगा। वैसे एक बार ही देखते हैं भाई यहाँ पर बैलेंस कितना कलेक्ट हो चुका है। ओके अभी अपने पास यहाँ पर 800 डॉलर के करीब कलेक्ट हो चुका है, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान लेकर आना चाहिए। एक बार ही मैं यहाँ पर बैंक वगैरह में देखता हूँ, वैसे भी हमारे पास यहाँ पर 1200 डॉलर माइनस में जा चुके हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर बैंक से थोड़ा बहुत पे करके लोन वापस से ले सकते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पर हम 850 डॉलर पे कर सकते हैं और 1000 डॉलर का लोन ले सकते हैं, तो फटाफट से मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत बैलेंस और कलेक्ट कर लेता हूँ और इसको 850 पे करते हैं और 1000 का यहाँ पर लोन लेते हैं। भाई ये ना काफ़ी ज़्यादा सही है, इस बैंक वाले के साथ ना हम घपला करेंगे भाई, इसके सारे पैसे भाई लोन ले लेंगे और पे करेंगे नहीं। इसको यहाँ पर 850 पे करते हैं और 1000 का लोन लेते हैं, तो यहाँ ना अभी अपने पास 1100 डॉलर भी हो चुके हैं, तो अभी फटाफट से चलते हैं थोड़ा बहुत सामान परचेस करने, जैबर की शॉप पे मुझे जाना होगा। ओके अपनी गाड़ी घुमाते हैं और फटाफट से चलते हैं जैबर की शॉप पर। तो चलो गाइस, मैं यहाँ पर जैबर की शॉप पर आ चुका हूँ, और भाई मुझे लग रहा है ना सामान खरीदते खरीदते यहाँ पर रात भी हो सकती है, तो अपनी गाड़ी को यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, रुक जा बसंती। ओके और यहाँ से मैं थोड़े बहुत आइटम परचेस कर लेता हूँ, लेकिन पहले ना अपने यहाँ पर फ़ोन निकालते हैं और देखते हैं कि जो कंप्लेंस वगैरह है वो किस चीज़ की आ रखी है। सलाड ड्रेसिंग और पीक फिश, ओके ये तो फिश वगैरह की शॉप से आएगी। ड्राई कैट फूड, कॉफ़ी, वॉशिंग पाउडर, निरमा, ब्रिक ब्रेड, ओके वैसे इतना सारा आइटम आ जाएगा क्या? ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान देखता हूँ। वॉशिंग पाउडर निरमा कहाँ पे है वे? हाँ ठीक है, ये रहा वॉशिंग पाउडर निरमा, ये खरीदा हमने। और क्या था? हाँ सलाद ड्रेसिंग शायद से यही है, नहीं कैचअप है तो सलाद ड्रेसिंग। हाँ ये रहा सलाद ड्रेसिंग। ओके और क्या था भाई? ब्रिक ब्रेड, ब्रिक ब्रेड शायद से यहाँ पे रखे है। ठीक है ये रहे अपने ब्रिक ब्रेड, ये हमने परचेस किया एक डब्बा। ओके और अभी क्या रह चुका है? दोबारा से मोबाइल ओपन करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, स्लाट ड्रेसिंग हमने परचेज़ कर ली, ड्राई कैट फूड और कॉफ़ी। पहले मैं यहाँ पर ड्राई कैट फूड परचेज़ करता हूँ। ड्राई कैट फूड, हाँ ये वाला ही है ड्राई कैट फूड। और यहाँ पर और क्या था यार? मोबाइल बारी बारी ओपन करना पड़ेगा। कॉफ़ी, ड्राई डॉग फूड, बर्गर और भी काफ़ी सारे भाई कंप्लेंट्स आ रखी है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर फटाफट से थोड़ा बहुत आइटम परचेस कर लेता हूँ, क्योंकि भाई देखो रात यहाँ पर हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ से फटाफट से थोड़ा बहुत आइटम परचेस करते हैं और लेकर चलते हैं अपनी शॉप पर। तो चलो गाइस, अगला दिन हो चुका है और भाई मैंने यहाँ पे आके सो गया था, क्योंकि भाई रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, तो भाई सामान मैं यहीं पर लेकर आ चुका हूँ अपना सारा। देखो भाई सामने अपनी गड्डी भरी खड़ी हुई है, और गाइस ये वाली जो कार थी ना भाई, ये ना चल नहीं रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने भाई इसमें गैस यहाँ पर सारी फिल करी और ये चलनी स्टार्ट हो गई,
तो गाइस अभी अपने पास दो दो कार हो चुके हैं भाई। एक तो ये हो चुके, देखो ये यहाँ पर अभी मस्त चल रही है, अभी इसमें कोई दिक्कत वगैरह की बात नहीं है। यार मैंने सोचा कि इसमें रिपेयरिंग वगैरह करवानी पड़ेगी, लेकिन इसमें यहाँ पर गैस वगैरह फिल करवा के इसमें अभी ये पूरी बढ़िया तरीके से यहाँ पर चल रही है। लेकिन खैर अभी फटाफट से अपनी इस वाली कार में बैठते हैं और चलते हैं अपनी शॉप पर, क्योंकि भाई ये सारा सामान मैं यहीं पर लेकर आ गया था और रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी भाई, इसलिए लेकर आना पड़ा। तो चलते हैं फटाफट से अपनी शॉप पर और देखते हैं भाई अपने पास यहाँ पर कितना बैलेंस कलेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम आ चुके हैं अपनी शॉप पर और यहीं पर मैं अपनी गाड़ी लगा देता हूँ, थोड़ी आगे कर लेता हूँ क्योंकि सामान उतारने में यहाँ पर दिक्कत नहीं पड़ेगी। ओके, तो चलो यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और भाई पैसा देख लेता हूँ। भाई पैसा अपने पास $400 हो चुके हैं, तो जब तक मैं ये सामान लगाऊंगा तो थोड़ा बहुत पैसा और कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फटाफट से सामान लगाते हैं और मैं देख लेता हूँ यार कि आखिर कौन सा सामान मुझे कहाँ रखना है। ठीक है, स्लॉट ड्रेसिंग है, इसको रखेंगे हम यहाँ पे, और वो क्या था, ये राइस वगैरह, तो राइस तो मैं ऊपर रखूँगा इस वाली सेल्फ में। ओके, फ्रिज का सामान देख लेता हूँ मैं, फ्रिज का सामान कहाँ पे है, ये एग है, हाँ ठीक है, ये अपना जो आइटम है ये फ्रिज का है, तो इसको लगाएंगे हम फ्रिज में। ओके, तो इसको मैं यहाँ पर ही लगा देता हूँ। वैसे फ्रिज का मैं थोड़ा बहुत ही आइटम लेकर आया था, तो मुझे फ्रिज का यहाँ पर काफ़ी सारा आइटम लेकर आना पड़ेगा। तो चलो गाइस एक काम करते हैं, फटाफट से सारा सामान लगाते हैं। तो चलो गाइस फाइनली मैंने ये सारा सामान यहाँ पर लगा दिया है और भाई थोड़ा बहुत सामान मैंने यहाँ पर भी रख दिया अपनी सेल्फ वगैरह में। वैसे थोड़ा बहुत क्या भाई, सारा सामान तो मैंने यहाँ पे लगाया है और थोड़ा बहुत यहाँ पर भी रख दिया है। वैसे भाई इतना सारा सामान लेकर आया था मैं और अभी भी अपनी सेल्फ यहाँ पर खाली पड़ी है। भाई मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत और भी आइटम लेकर आना पड़ेगा, तो अभी तो अपनी शॉप यहाँ पर खाली खाली सी लग रही है। लेकिन अभी यहाँ से मैं बैलेंस कलेक्ट करते हैं फटाफट से। ओके, तो अभी अपने पास $1400 हो चुके हैं, तो यार इसमें ना अपना काफ़ी सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान आ जाएगा, तो फटाफट से अपनी गाड़ी को लेके चलते हैं। हेलो, ये क्या सीन हो गया, एक चल क्यों नहीं रही भाई। अबे यार इसकी तो भाई रिपेयरिंग करवानी पड़ेगी, तो यार मुझे अभी फटाफट से जाना पड़ेगा घर पे। तो चलो गाइस मैं यहाँ पर अपने घर पर आ चुका हूँ और भाई अभी ना मुझे ये वाली गाड़ी लेकर जाना पड़ेगा और अपनी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है, तो एक बारी मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ। फ्यूल वगैरह इसमें ओके है और रिपेयरिंग वगैरह भी इसकी ओके है, तो भी मुझे जाना है इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे और इलेक्ट्रॉनिक की शॉप भाई ऐसे इसी वाले रास्ते पर होगी। और ये आ चुके हैं हम इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पर। ओके, जल्दी से अपनी गाड़ी से निकलते हैं। तो चलते हैं फटाफट से अंदर की साइड में और देखते हैं आखिर मुझे क्या परचेस करना होगा। ये एक टोस्टर है, ये देखते हैं ओवन वगैरह, ठीक है $400 का है, और फ्रिज वगैरह देखा जाए तो फ्रिज है $1160 का। ओके, टीवी वगैरह भी एक बार ही देख लेता हूँ सस्ते हुए क्या। हाँ यहाँ पर ये $488 का है, और ये वाले, ये तो शायद से मोनिटर वगैरह है। हाँ कंसोल वगैरह देख लिया जाए। ओके, ये भी भाई महंगे है अभी तो। ये कंट्रोलर ठीक मिल रहा है $200 का, और ये वाले भी ठीक मिल रहे हैं, लेकिन अभी ना मैं ये वाला आइटम परचेस करने वाला हूँ। वैसे गाइस ये वाला आइटम अपनी गाड़ी में नहीं आएगा शायद से, तो वैसे एक काम करते हैं यार, एक परचेस करके देख ही लेता हूँ मैं शायद से, क्या पता अपने। ओ भाई साहब यहाँ पर तो अपनी रेटिंग भी डाउन हो रखी है, अपनी रेटिंग यहाँ पर देखा जाए तो 39 अपनी रेटिंग, ये क्या सीन हो रहा है, डाउन पे डाउन होती जा रही है। 36 अपनी रेटिंग हो चुकी है, तो अभी हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं परचेस कर सकते जब तक अपनी रेटिंग यहाँ पर 50 ना हो जाए, और भाई अपनी रेटिंग यहाँ पर डाउन ही होती जा रही है। तो भाई मुझे ना यहाँ पर थोड़ा बहुत एक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ा बहुत मीट वगैरह मैं परचेस कर लेता हूँ। ओके यार ये इतने ज़्यादा महंगे है ना, ये ठीक है, ये चिकन का मीट वगैरह ये ठीक है, और ये कर लेता हूँ मैं एक तो परचेस, थोड़ा बहुत मुझे यही सामान परचेस करना पड़ेगा। ठीक है, और मीट वगैरह की एक बारी मैं कंप्लेंट्स देख लेता हूँ, कंप्लेंट्स आ रखे गए मीट वगैरह की। ट्यून क्या है यार, ट्यून मीट वगैरह ही है क्या, कोई ट्यून वगैरह ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं मीट वगैरह तो नहीं है, ट्यून वगैरह पता नहीं यार ट्यून क्या है, ट्यून की कंप्लेंट्स आ रखी है। वैसे जयवर की शॉप पर ही मिलेगा भाई सारा सामान, थोड़ा बहुत यहाँ से फूड परचेस कर लिया जाए। ओके, एप्पल कर लेते हैं और ऑरेंज कर लेते हैं, एक क्रेट में बनाना की भी ले लेता हूँ, वैसे बनाना अपने पास में पड़े हुए हैं, और ये ले लेते हैं यहाँ से एक क्रेट। ओके, और एक ले लेते हैं ये,
सबकी एक एक करेट में यहाँ पर परचेस करने वाला हूँ। वैसे वाटरमेलन यहाँ पर सबसे महंगे है, तो इनमें ही अपना काफी सारा पैसा लग जाएगा। और एक में शायद से करीब 3-4 आते हैं, तो देखते हैं भाई। तो चलो, मैंने यहाँ पर एक टमाटो की भी करेट परचेस कर लिया है और एक रह चुकी है अपनी पटैटो की। तो चलो भाई, अपना सारी यहाँ पर सब्जी वगैरह आ चुकी है। अपनी गाड़ी को मैं थोड़ा बैक कर लेता हूँ और अपनी गाड़ी में सारा सामान लगाएंगे और फिर चलेंगे अपनी शॉप पर। एक काम करते हैं यार, फिश वगैरह भी मैं देख लेता हूँ। ठीक है यार, इसकी ना काफ़ी ज़्यादा डिमांड है लेकिन अपने पास पैसा नहीं है। तो एक काम करते हैं, ये वाली परचेस करते हैं। कौन सी थी? हाँ, ये वाली परचेस करते हैं। ओके, मैक फिश, पता नहीं क्या नाम था। खैर, अभी फटाफट से सारा आइटम मुझे लगाना पड़ेगा। तो चलो, फाइनली अपनी सब्जी वगैरह लग चुकी है। बस एक ही यहाँ पर तरबूज बचा है, इसको रखते हैं ऊपर की साइड में। ठीक है, अबे आ जाना। ओके, और इसका ट्रंक बंद करते हैं। और हुआ क्या? अबे खैर छोड़ो, अभी फटाफट से चलते हैं और देखते हैं भाई अपना जो सामान है वो आखिर थोड़ा बहुत बिका है या कंप्लेंट्स ही आ रखी है। भाई अपनी जो रेटिंग है ना वो भी डाउन हो चुकी है पूरी। यार मुझे ना काफ़ी सारा सामान लेकर आना पड़ेगा जयवर की शॉप से, और उसके लिए यार बहुत सारा पैसा भी चाहिएगा। इसको थोड़ी सी टक्कर मार के मैं आगे कर देता हूँ, यहाँ पे खड़ी है बेकार में। ये तो आगे भी नहीं जा रही भाई, अलग ही सीन हो चुका है। अपने पास दो दो कार है और दोनों ही बेकार है भाई, चलती नहीं है कोई सी ढंग से। चलो ठीक है, ये सारा सामान मैं यहाँ पर रख देता हूँ और जल्दी से मुझे ये लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सारा ही सामान ख़त्म हो चुका है और अपने कस्टमर यहाँ पर रेटिंग पे रेटिंग डाउन किए जा रहे हैं। तो देखो यार, यहाँ पर कितने सारे डब्बे लग चुके हैं भाई, ये पूरी टेबल यहाँ पर भर चुकी है। और ये तरबूज वगैरह रखने की तो भाई यहाँ पर जगह ही नहीं बची है, ये ना मुझे नीचे ही रखने पड़ेंगे। ऐसे यहाँ पर मैं रख देता हूँ ऐसे करके, इसको पहले यहाँ पर रखो। ओके, और अभी एक एक करके ऐसे मैं लगा देता हूँ। और ऐसे कितने, 4 ही आते हैं क्या? नहीं, 4 तो आ चुके भाई, 5 और 6-10 आते हैं क्या एक उसमें? भाई साहब, ये तो भाई पूरी इमारत सी बन जाएगी। लास्ट रह चुका है, इसको रखते हैं यहाँ पे। भाई देखो, ये पूरा यहाँ पर इमारत सी, बिल्डिंग सी बन चुकी है। लेकिन अभी अपने पास दो आइटम और रह चुके हैं। और मैं एक काम कर दूँ, यहाँ से ना थोड़ी पानी पूरी वगैरह खा लेता हूँ क्योंकि अपनी हेल्थ ना भाई बिल्कुल डाउन होने वाली है। चलो, अपना हंगर बार हो चुका है पूरा फुल। अभी फटाफट से डब्बे उठाते हैं और इनको रखते हैं अंदर की साइड में। इसमें क्या था वैसे? ये चिकन वगैरह है, चिकन। एक काम करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। ये फ्रिज का आइटम तो नहीं है भाई? अबे यार, ये तो फ्रिज में लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, अपने फ्रिज में ना काफ़ी ज़्यादा स्पेस पड़ा हुआ है अभी भी। इनको फटाफट से यहाँ पे रखो और जल्दी से लगाते हैं। और एक काम करते हैं यार, जो अपना वो बड़े वाला फ्रिज है ना उसको लेकर आते हैं, क्योंकि यार अपनी शॉप ना यहाँ पर खाली खाली सी लग रही है और इस वाले फ्रिज में हम इतना सारा आइटम नहीं रख पाते। तो अगर हम बड़े वाला फ्रिज लेकर आ जाएंगे तो उसमें हम फिश वगैरह रख देंगे। तो गाड़ी वगैरह तो मैं नहीं लेकर जाऊंगा, तो यहाँ से चलते हैं फटाफट से टैक्सी में। तो चलो गाइस, मैं यहाँ पर फर्नीचर शॉप पे आ चुका हूँ। और बड़े वाला फ्रिज शायद से $2,000 का था या फिर $1,000 का। भाई $2,000 का है ये तो, और मेरे पास यहाँ पर $1,700 ही पड़े हुए है। ये वाली सेल्फ $1,700। ओ, ये भी फ्रिज है शायद से, उसमें भी हम सामान वगैरह रख सकते हैं। तो चलो गाइस, अभी मैं अपनी शॉप पर आ चुका हूँ और यहाँ पर लगाने वाला हूँ मैं जो फ्रिज लेकर आया था। ठीक है, तो ये रहा अपना फ्रिज और इसको मैं यहाँ पर ही सामने लगा देता हूँ। भाई ये ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसमें ना अपना काफ़ी सारा सामान आ जाएगा। तो चलो गाइस, मैंने ये यहाँ पर लगा दिया है और भाई देखो कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और इसमें ना यार सारा सामान आ जाएगा, इसमें अपना काफ़ी सारा सामान आ जाएगा। फिश वगैरह तो मैं सारी इसी में रखने वाला हूँ, और जो भाई डब्बे से का आइटम होता है ना उसको भी हम उसमें रख देंगे। ठीक है, तो अभी अपने पास सामान वगैरह रखने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। आज हमने काफी सारा काम कर लिया, अपना बान हाउस परचेस कर लिया है, थोड़ी बहुत अपनी शॉप को भी अपग्रेड कर लिया है और अपनी कार भी खराब कर लिया है। तो अभी अपने पास इतना बैलेंस नहीं बचा है कि हम और भी सामान लेकर आ जाए। तो अगले वाले एपिसोड में हम अपनी शॉप पर काफी सारा सामान लेकर आने वाले है। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आगे और भी बढ़िया बढ़िया गेम प्ले की वीडियो यहाँ पर आने वाली है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। तो चलो, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।